नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो भाई आप सोच रहे होगे यार मैं कहां पर आया हूं, तो ये देखिए मैं ये अपनी बाइक से यहां पर देखिए आया हुआ हूं। आ जा ही रहा था अपनी बाइक से इस तरफ, सामने की तरफ मैं जा रहा था अपनी बाइक से, तो मुझे एक यार इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर दिखी है। यहाँ पर कोई एक ओकेजन चल रही है, मतलब कि ओपनिंग सेरेमनी टाइप, तो वहाँ पर एक मशीन रखी हुई है, तो वो मुझे लगा कि इसके बारे में चलिए जाके पूछते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं वहाँ पर क्या है, और मैं आपको एक फ्रंट कैमरे से पहले आगे वाले कैमरे से एक व्यू पहले दिखा देता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखिए अब मैं फ्रंट में कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं येलो कलर का आपको दिख रहा होगा जो टेंट टाइप का, वहाँ पर ही यार वो यूनिक मशीन आई हुई है, तो चलिए देखते हैं उसे। भाई देखिए वो जो मैं आपको जो कह रहा था कि जो वहाँ पर है, जो मुझे अलग सा देखिए लग रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं भाई ये मशीन है क्या। यहीं पास में से एक यार व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने बताया कि यार वहाँ पे बहुत ही यूनिक सी कोई नई तरह की मशीन आई है, और कहते हैं बहुत ही यूनिक है, राजकोट में ऐसी मशीन है भी नहीं। तो मैं सोचा यार देखना तो बनता है, इसीलिए यहाँ पे चल रहा हूँ कि अब हम देखते हैं कि यार ये मशीन क्या है और ये क्या क्या वर्क करती है, वो सब अब हम देखते हैं। तो चलिए पहले आपको अभी मैं मशीन दिखा देता हूँ, और उसके बाद उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और पूरा वीडियो देखोगे यार तभी आपको देखिए सही से समझ में आएगा, और स्किप मत करना वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर। ये है देखिए मशीन जो यहाँ पर है, तो जो ये मशीन है इसके बारे में अब हम देखिए जानेंगे कि ये क्या वर्क करती है और इसके क्या फंक्शंस हैं, तो वो अभी हम जानते हैं। एक बार आप मशीन का एक लुक आप देख लीजिए पहले। देखिए यार यहाँ पर जो यहाँ के ओनर है वो हमारे साथ हैं, और वो आपको शेयर करेंगे कि मशीन ये क्या है। तो सर जो ये मशीन है वो आप हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि ये मशीन क्या है, इसका पहले तो इसका नाम क्या है, और ये किस तरह से हेल्पफुल है डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स के लिए, और इसके क्या फंक्शन है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि राजकोट में ये पहली बार है, ये पूरा डीकार्बोनाइजेशन मशीन नहीं, ये जो भी बाइक हम यूज़ करते हैं वो गैस से चलती है, पेट्रोल से चलती है या डीजल से चलती है, बाइक हो, ऑटो रिक्शा हो, फोर व्हीलर हो, ट्रक हो, बस हो, कोई भी वही व्हीकल और इतनी चीज़ें चलती है। लेकिन इसमें क्या है, एक डेढ़ साल के बाद इसमें कार्बन की कण जमा हो जाती है इंजन के अंदर, इसके हिसाब से माइलेज कम हो जाती है, पिकअप कम हो जाता है और धुआं निकलता है। तो ये मशीन जो है जर्मन टेक्नोलॉजी का है। ओके, एक ही मशीन में बिना कोई केमिकल प्रोसेस के, बिना इंजन को खोले हम इसको डीकार्बोनाइजेशन करते हैं, जिससे कार्बन इसका क्लीन हो जाता है और इंजन पावरफुल हो जाता है। जैसे पहले हमने गाड़ी नहीं ली ऐसा इंजन हो जाता है, धुआं कम होता है, माइलेज बढ़ जाती है, वो सब इसमें फायदे हैं। तो भाई देखिए जैसा कि यार सर बता रहे हैं कि देखिए ये जो मशीन है, तो मशीन यार ये इस तरह से हेल्पफुल है कि बिना इंजन को खोले हुए जो कार्बन आपके इंजन में जमा हो जाता है उसको ये सक कर लेती है, उसको निकाल लेती है और आपके इंजन को क्लीन कर देती है। और राजकोट सिटी में ये फर्स्ट मशीन है इस तरह की, राजकोट सिटी में और ये कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पर ये पहली बार सर इसको लेकर आए हैं और इंट्रोड्यूस किया है राजकोट सिटी में। अहमदाबाद सिटी में दो हैं, राजकोट सिटी में ये फर्स्ट है। तो यार बहुत ही यूनिक चीज़ मुझे लगी, इसलिए आपके साथ ये व्लॉग मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अभी वेट करिएगा, मैं आपको जो यहाँ का एक प्रॉपर एड्रेस है वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा इस व्लॉग में। भाई आपको यहाँ का एड्रेस शेयर कर देता हूँ, अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप कैसे आओगे, उसके लिए आपको एड्रेस चाहिए। तो ये जामनगर रोड है, और जामनगर रोड पर अगर आप देखते हो तो एक स्ट्रीट फूड का मैंने पहले व्लॉग बनाया था, अगर आपको याद हो तो। वो जो है सामने इंडियन ऑयल्स की आपको बड़ी सी आपको टंकियाँ भी आपको दिखती हैं, ब्लू कलर की और रेड कलर की, उसके बिल्कुल सामने ही यहाँ पर जो है वो श्री मोमाई गैरेज जो आप यहाँ पर आप देख सकते हो वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आप आएंगे तो आपको ये सर्विस यहाँ पर अवेलेबल होगी। और आइए यहाँ पर, अगर आपकी कोई भी जो व्हीकल है उसमें अगर आपको लग रहा है ऐसा कि आपकी जो कार्बन जो है उसके अंदर इंजन के अंदर वो बढ़ गया है और आपको किसी भी तरह उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और यहाँ पर एक बेस्ट सर्विस आपको अवेलेबल होगी। बता दूँ जो प्रॉपर एड्रेस है यहाँ का वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा हुआ है,
तो वहां से जाके भी आप एड्रेस आप देख सकते हैं। और आपके साथ अभी मैं एक पूरा पैम्पलेट भी शेयर कर रहा हूँ जहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा वो, तो वो वहां से भी आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। भाई अभी वीडियो के एंड तक बने रहना, अभी आपके साथ लाइव डेमो करके मैं दिखाऊंगा, ये जो मशीन है इसको ऑपरेट करके अभी हम दिखाएंगे और आपके सामने एक व्हीकल में लाइव डेमो करके दिखाएंगे डीकार्बनाइजेशन प्रोसेस का। और ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स चाहिए आज है ना, तो भाई आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको दिख रही होगी, एक व्हाट्सएप का नंबर है और एक कॉन्टेक्ट नंबर है। तो अगर आप चाहें, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई क्वेरी है, तो इस पे आप कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं और आपकी क्वेरी यहाँ पर सॉल्व होगी। तो देखिए अब मैं आपके साथ यार जो प्राइस डिटेल्स है वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। अगर आपको अपनी कार बाइक या किसी भी व्हीकल जो आपका है उसका अगर आपको प्रॉपरली कार्बन एमिशन करवाना है, कार्बन से फ्री करना है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये देखिए भाई, इस बोर्ड पर यहाँ पर अलग अलग व्हीकल्स का जो रेट है, जो प्राइस है, वो यहाँ लिखी हुई है। तो अगर आप चाहें तो पॉज करके इसे आप एक बार देख सकते हैं। तो चलिए अब भाई आपको थोड़ा सा इसे ऑपरेट करने का जो सिस्टम है मशीन का वो दिखाता हूँ। तो देखिए भाई आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जितने भी व्हीकल्स यहाँ पर लिखे हैं, बाइक, ऑटो, कार, ट्रैक्टर, बस, ट्रक, ये सारी ही जो व्हीकल्स हैं इनका जो अगर कार्बन परसेंटेज अगर बढ़ जाता है आपके इंजिन में, तो उसको ये वाली जो मशीन है जो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उसे ट्रीट करती है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से, जैसे आपकी बाइक है तो आपको बाइक सिलेक्ट करना है, और बाइक सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर जो आगे उसका जो इंजन कैपेसिटी है उसे सिलेक्ट करके और फिर वो ट्रीटिंग स्टार्ट होता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है स्विफ्ट कार। तो स्विफ्ट कार में हम आपको डेमो करके हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे उसका कार्बन एमिशन होता है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए आप पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यार अब पूरी प्रोसेस हम आपको एक्सप्लेन हम आपको करेंगे कि कैसे कार्बन एमिशन होता है। तो चलिए स्टार्ट कर दें। इसमें जो गाड़ी का जो फिल्टर रहता है ना, फिल्टर के अंदर इस पाइप को डालना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो फिल्टर होता है उसके अंदर ये पाइप यहाँ पे इंसर्ट करना होता है, और ये वाइब्रेशन सेंसर है। ओके, कोई भी प्रोसेस हो तो इसमें गाड़ी का स्टार्ट रहना जरूरी है। अच्छा, वाइब्रेशन सेंसर है, जैसे गाड़ी बंद हो जाती है मशीन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ओके, जैसे गाड़ी को डीकार्ब करते हैं, इंजन में जो कार्बन जमा होता है ना इसको निकाल देते हैं। तो डीकार्बनाइजेशन के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो पाइप को है इंसर्ट करना होता है और फिर यहाँ पर ये यहाँ पे कनेक्ट करा है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस हम करते हैं। अब अंदर से यहाँ पे जो मशीन है उसको यहाँ से ऑन करना होता है। तो ये देखिए यहाँ से ऑन हो गया है, और जैसा कि पहले बताया था मैं आपको अभी कि जो डिस्प्ले पैनल है वहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपका व्हीकल कौन सा है। उनको कार सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे कार है तो हम कार सिलेक्ट करेंगे। कितने सीसी की है? 300+। तो भाई 3000+ सीसी। कितने किलोमीटर चली चली ओके, अबव 7500। तो सिलेक्ट करना है एंड स्टार्ट देना, स्टार्ट दे दिया। सो ओके दोस्तों, तो देखिए स्टार्ट देने के बाद फिर जो कार्बन एमिशन का जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, और जो आपकी इंजन का कार्बन है और वो फिर उसके बाद निकल जाता है। अब मैं इसके आपको थोड़े से प्रोस बताता हूँ कि बेनिफिट्स क्या है इसके। तो भाई बेनिफिट इसका ये है कि आपके इंजन को छुए बिना, आपके इंजन को खोले बिना, ठीक है, आपका जो कार्बन है वो पूरी तरह से साफ हो रहा है इंजन का, एंड विद इन ओनली 30 मिनट्स। तो विद इन 30 मिनट्स यू विल गेट क्लीन इंजन ऑफ योर बाइक, कार, टैक्सी, योर ऑटो रिक्शा, बस, सो एनी व्हीकल।
सो प्लीज डू विजिट दिस प्लेस। अगर आपको क्या बोलते हैं किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है इंजिन में और आपको जो जो आपका इंजिन है उसमें ऐसा फील हो रहा है या आप कहीं पे आप गए हो और किसी ने आपको ये सजेस्ट करा है कि आपके इंजिन के अंदर कार्बन की मात्रा है वो ज्यादा हो गई है, तो इस तरह से आप कार्बन एमिट करवा के अपने इंजिन की परफॉर्मेंस को बढ़वा सकते हैं। भाई पहले अगर आपके इंजन में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती थी तो आपके पास बस एक ही रास्ता रहता था, या तो उसे सुधरवाना या कोई पार्ट को रिप्लेस करवाना अंदर से, तो उसमें खर्चा बहुत आता था। पर अब क्योंकि ये डीकार्बनाइजेशन वाली जो प्रोसेस है वो राजकोट सिटी में आ गई है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पे डीकार्बनाइज करवा लो। तो भाई ये था आज का व्लॉग, आपको ये व्लॉग कैसा लगा ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मेरे लिए आपके व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कैसा फील करते हो ब्लॉग देखने के बाद, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना भाई सब्सक्राइब। फिर से मिलूंगा किसी और लोकेशन पर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय।